गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर पढ़ रहे हैं, थर्ड चैप्टर है आपका वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हमने सेल विभव ज्ञात करना, नरनेश समीकरण बनाना और सेल विभव नरनेश समीकरण से किस प्रकार ज्ञात किया जाता है ये अब तक सीखा था, और इसके हम न्यूमेरिकल कर रहे थे। मतलब एक तरह से नरनेश समीकरण के अनुप्रयोग कर रहे थे। नरनेश समीकरण के द्वारा सेल का विभव ज्ञात किया जा सकता है। साम्यावस्था स्थिरांक केसी और मानक सेल विभव में संबंध ज्ञात किया जा सकता है। तो उसी के हम क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन है जो एक तरह से उसकी नरनेश इक्वेशन की एप्लीकेशन है। तो इसमें अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज की क्लास में भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल लेंगे हम, उतना ही ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल मैंने पिछली क्लास में कराए थे, आज कुछ डिफरेंट टाइप के कराएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, सेल विभव ज्ञात कीजिए यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्न अभिक्रिया निम्न प्रकार है। अभिक्रिया निम्न प्रकार है। क्या अभिक्रिया है? जेडन है जो सॉलिड, ये जेडन प्लस टू में बदल रहा है, और इसकी जो मोलरता दी है वो 0.1 मोलर दी है। ये आपका लवण सेतु, और दूसरा जो कैडमियम प्लस टू है इसकी मोलरता दी हुई है 0.01 मोलर, और ये आपका बदल रहा है कैडमियम सॉलिड में। तो आपको पता है ये वाला तो एनोड की तरह कार्य करेगा और ये कैथोड की तरह, आप जानते हो। और आपको दिया गया है एनोड जेडन प्लस टू जेडन, मतलब एक तरह से जिंक का अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव, -0.76 वोल्ट। और दूसरा दिया है आपको एनोड कैडमियम प्लस टू कैडमियम, इसका भी अपचयन विभव दिया है, ये आपको दिया है माइनस का 0.40 वोल्ट। तो ये आपको अपचयन विभव इनके दिए हुए हैं। और आपको सेल विभव ज्ञात करना है तो तरीका वो ये है, नरनेश इक्वेशन के द्वारा ज्ञात करेंगे। नरनेश इक्वेशन लिख लो पहले, सेल विभव, मतलब सेल का इलेक्ट्रोड विभव या सेल विभव क्या होता है, एनोड सेल -0.0591 अपॉन एन, और यहां आ जाएगा आपका log10 kc। क्या आ जाएगा आपका log10 kc। तो इसमें पहले इस इक्वेशन को यूज में लेने के लिए हमें एनोड सेल का मान ज्ञात करना पड़ेगा और केसी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो इस इक्वेशन में रखेंगे। तो पहले अपन एनोड सेल ज्ञात करते हैं। एनोड सेल बराबर होता है एनोड कैथोड माइनस एनोड एनोड। अब एनोड कैथोड, कैथोड की तरह कौन कार्य कर रहा है, ये कैडमियम। ये चीज तो आप सीख चुके हो ना, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड का कार्य करता है, जिसका अपचयन हो रहा है वो कैथोड का। एनोड को हमेशा इधर लिखते हैं, कैथोड को इधर। तो ये इसका देखिए
ऑप्शन माइनस का 0.40 वोल्ट माइनस, और फिर इनोड एनोड, एनोड का अपचेन वेव कितना माइनस 0.76, ये माइनस का 0.40, ये प्लस का 0.76, मतलब प्लस आंसर आएगा आपका, ये घटाओ 6 का तो 6 हो जाएगा, 7 में से 4 गए तो 3, तो 0.36 वोल्ट प्लस का, ये आपके 0.36 वोल्ट आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, केसी ज्ञात करोगे। केसी के लिए आपको पहले सहल अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी, हालांकि सहल अभिक्रिया लिखी हुई है, इसकी सहल की अभिक्रिया लिखो, नेट सहल अभिक्रिया लिखेंगे हम, तो अभिक्रिया कारक और उत्पादों का पता लग जाएगा। सहल में क्या हो रहा है, जेड एन सॉलिड प्लस कैडमियम प्लस टू आयन एक्वेटिक, ये किस में बदल रहा है, जेड एन तो जेड एन प्लस टू में एक्वेटिक में, प्लस कैडमियम सॉलिड में, इसमें बदल रहा है, ये अभिक्रिया है। इसके लिए आप केसी ज्ञात करोगे, जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए केसी क्या होता है ये आपको पता ही है, केसी बराबर उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। अब देखिए आप यहां पर उत्पाद तो ये दोनों है और क्रियाकारक ये दोनों है, तो केसी बराबर जेड एन प्लस टू का सक्रिय द्रव्यमान और इधर कैडमियम सॉलिड का सक्रिय द्रव्यमान, नीचे जेड एन सॉलिड का सक्रिय द्रव्यमान एंड कैडमियम प्लस टू का सक्रिय द्रव्यमान। जो सॉलिड क्रियाकारक उत्पाद है उनका सक्रिय द्रव्यमान एक माना जाता है, एक माना जाता है, यहां एक एक आ जाएगा, तो केसी बराबर क्या होगा, जेड एन प्लस टू की सांद्रता अपॉन कैडमियम प्लस टू की सांद्रता। अब जेड एन प्लस टू की सांद्रता इन्होंने दी हुई है अपन को, कितने दिए 0.1, ये 0.1, और कैडमियम प्लस टू की भी दी हुई है 0.01, 0.01। तो केसी का मान फाइंड आउट कर लिया, एनोड सेल का मान फाइंड आउट कर लिया। समीकरण, इसको समीकरण एक मानो तो पहली समीकरण में, इस समीकरण में आप एनोड सेल और केसी के मान रख दीजिए, तो तीसरी चीज ई सेल, सेल विभव बराबर क्या हो जाएगा, एनोड सेल, तो ये रहा 0.36 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन का मान 2 है और log 10, केसी का मान आपके पास ये आ गया 0.1 को अपन 10 की घात माइनस 1 बोलते हैं और इसको 10 की घात माइनस 2, यहां पर एक बार इसको और क्लियर कर लेते हैं, 10 की घात माइनस 1 है ये तो, और ये क्या है 10 की घात माइनस 2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो 10 की घात प्लस 2 में से माइनस का एक गया तो 10 बचेगा, log 10 10 0.36, अब ये log 10 बचा है खाली, log 10 की घात 1, log 10 का मान 1 होता है तो ये तो 1 हो जाएगा, इसमें इसका भाग दोगे तो ये आएगा 0.0, 2 2 4, 2 9 18, 2 5 10, 0.36 में से 0.295 घटाओ आप 0.0295 तो ये लगभग आता है 0.33 वोल्ट, क्योंकि इसको 0.3 मान सकते हैं तो ये 0.33 वोल्ट, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से ये फटाफट काम करने पड़ते हैं आपको, इसको देख लीजिए सवाल को, फिर आगे और क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए कॉपी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ये सेल को प्रदर्शित किया गया है, इससे हमें एनोड कैथोड की जानकारी हो गई, उनकी सांद्रताओं का पता लग गया, एनोड कैथोड की विलयन की सांद्रताओं का। क्वेश्चन में हमको जिंक का अपचयन विभव दिया है, कैडमियम का अपचयन विभव दिया है। इनके ये अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव से हम मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया, इसकी सहायता से सेल अभिक्रिया लिखते हैं, और सेल अभिक्रिया लिखकर हम क्या कर लेते हैं, केसी का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। केसी का मान फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करते हो, नर्नेस्ट इक्वेशन में इनके मान रख देते हो और आंसर आ जाता है। तो इजी है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए आगे, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैल्वेनिक सेल में निम्न अर्धव क्रिया हो रही है, निम्न अर्ध अभिक्रियाएं हो रही है, क्या है? सेल को प्रदर्शित किया गया है, एएल है जो Al+3 में बदल रहा है, Al+3 में, और इसकी सांद्रता दी हुई है आपको 0.001 मोलर। ये आपका लवण सेतु, और Ni+2 इसकी सांद्रता आपको दी हुई है 0.50 मोलर, 50, और ये Ni सॉलिड में बदल रहा है, ये एल्यूमिनियम सॉलिड। यहां पर आपको पता लग गया ये तो क्या है, एनोड, और ये क्या है आपका कैथोड, ये तो सर प्रदर्शित किया है। और इस अभिक्रिया में आपको दोनों का अपचयन विभव भी दिया हुआ है, निकिल का यहां पर लिख रहा हूं, इधर दिया है, दिया गया है एनोड Ni+2 Ni, और ये दिया है माइनस का 0.25। और ये है Al+3, ये Al में बदल रहा है, और इसके लिए दिया गया है -1.66 वोल्ट, ये आपको दिया गया है। सवाल थोड़ा कठिन है, आपको समझना पड़ेगा ये अच्छे से। वही काम है, नर्नेस्ट इक्वेशन में दो चीज फाइंड आउट करके लिखनी पड़ेंगी, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है पर टिपिकल है, थोड़ा सा कठिन है। क्या? सबसे पहले तो अपन को एनोड सेल ज्ञात करना पड़ेगा, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एनोड सेल। पहला काम एनोड सेल ज्ञात कर लो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी नर्नेस्ट इक्वेशन में, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एनोड सेल, मानक सेल विभव कितना आएगा, एनोड कैथोड माइनस एनोड एनोड। अब एनोड कैथोड
कैथोड की तरह ये कार्य कर रहा है, इसका लिखा हुआ है माइनस का 0.25 वोल्ट माइनस, और एल्यूमिनियम है जो एनोड का कार्य कर रहा है इसका भी लिखा हुआ है माइनस 1.66 वोल्ट। ये माइनस का 0.25, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1.66, मतलब 1.66 में से 0.25 घटा दो, 25 घटाओगे 6 में से 5 गया, देखो एक तो यूपी में आ जाएगा, 6 में से 5 गया तो वो भी एक, और 6 में से 2 गए तो 4, तो 1.41 वोल्ट। ये क्या है आपका मानक सेल विभव आ गया, क्या चीज आ गई, मानक सेल विभव। अब हम सेल अभिक्रिया देखते हैं, क्योंकि सेल अभिक्रिया से ही बच्चों क्या निकलेगा आपका केसी का मान, साम्यावस्था स्थिरांक का मान निकलेगा, किससे निकलेगा, सेल विभव से। अब देखो इस सेल की अभिक्रिया, पहले दोनों के अर्ध अभिक्रियाएं लिखो, एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये Al प्लस 3 में बदल रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीकरण की। दूसरी अर्ध अभिक्रिया क्या हो रही है, जो आपका Ni प्लस 2 है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Ni में बदल रहा है, अब चयन हो रहा है इसका। अब यहां पर देखिए, अगर मैं नेट सेल अभिक्रिया लिखूंगा तो पहले मुझे इसके इलेक्ट्रॉन बराबर करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन इसके 3 है अगर 2 है, इसको मैं 2 से गुणा कर दूं और इसको 3 से गुणा कर दूं तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे, तो ये अभिक्रिया तो कैसे लिखोगे, 2Al और ये आ जाएगा 3Ni+2, ये 3 2 6 3 2 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, यहां आ जाएगा 2Al+3 और यहां आ जाएगा 3Ni, ठीक है भाई। अब आप केसी का मान निकाल सकते हो, केसी बराबर क्या होता है, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन क्रियाकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। तो उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान देखो, उत्पाद Al प्लस 3 है और इसकी दस समीकरण मिति गुणांक घात बन जाते हैं तो ये स्क्वायर, इधर Ni और ये 3, पर ये सॉलिड है, यहां देखो Al सॉलिड है इसकी घात 2 और इधर Ni प्लस 2 आयन इनकी घात 3। अब देखो ये दोनों तो इकाई होंगे आपके, जो Al सॉलिड का सक्रिय द्रव्यमान और Ni सॉलिड का सक्रिय द्रव्यमान, ये क्या होगा, एक एक है, एक है, जब बेस एक होता है तो ये भी एक ही हो जाएंगे, एक की घात कितनी लगा लो वो एक ही रहती है, तो एक का क्यूब भी एक होगा और एक का स्क्वायर भी एक होगा, तो इन ये दोनों तो हट जाएंगे, ये दोनों बचेंगे आपके, ठीक है ना, क्यों बचे हैं, ये नियम है याद रख लेना, फिर बता रहा हूं कि ठोस क्रियाकारक या उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान हमेशा इकाई होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब देखो इसकी भी सांद्रता अपने पास है, Al प्लस 3 की भी और Ni प्लस 2 की भी सांद्रता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Al प्लस 3 की सांद्रता कितनी है, 0.001 का स्क्वायर, और Ni प्लस 2 की सांद्रता कितनी है, 0.50 का क्यूब। ये अब इनको आप सोल्व, चाहे तो यहां पर थोड़ा सरल कर बना लीजिए जिससे कि आगे अपन को ज्यादा दिक्कत ना आए। तो देखिए ये 10 की घात माइनस 3 है, 0.001, तो इसको मैं अगर 10 की घात के रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 10 की घात माइनस 3, 10 की घात माइनस 3 का स्क्वायर करूंगा तो 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा, ये तो 10 की घात माइनस 6 है और ये क्या है 0.50 की घात 3, इसका अपन करेंगे तो मतलब कि 0.50 को या 50/100 को 3 बार लिखना पड़ेगा, 50/100 का अगर मैं 1 0 से 1 0 कट गई 5, 1/2 का क्यूब हो जाएगा, ये 1/2 का क्यूब मतलब 1/2 को 3 बार लिखोगे, 1/2 का क्यूब तो 2 2 4 और 4 2 8, यू भी कह सकते हैं
आठ चला जाएगा ऊपर, 8 × 10⁻¹, ये हो जाएगा ये 8 × 10⁻¹। ठीक है भाई, अब इसको इस इक्वेशन में लिख लो आप, आपकी नरनेस्ट इक्वेशन। तीसरी चीज अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल −0.0591/n log 10। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 8, सही ना, 8 ही होगा ना, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 8 × 10⁻¹, ये हो जाएगा ये लॉग। आपको या तो मैं किसी दिन लॉग की थोड़ी एक क्लास करवा दूंगा, बायोलॉजी के बच्चों को लॉग में दिक्कत आ सकती है। ई नॉट सेल का वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये रही 1.41 माइनस, ये टी एन का मान 3 है भाई, 3 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये 3 ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कितना हो रहा है, 3 0.0591/3, 3 × 2 = 6, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अच्छा बैलेंस इक्वेशन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ठीक है। हाँ बच्चों ये देख लो, यहाँ पर 3 × 2 = 6 और इधर भी 6, 6 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर से उधर, और ये आ जाएगा आपका, देखिए लॉग, इसको मैं लॉग 10 8 + log 10⁻¹ ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब क्या कर सकता हूँ इसको, या तो लॉग 8 का मान लिख लो आप, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, 0.0591/6, इसको 2³ लिख सकता हूं, 3 आगे आ जाएगा, लॉग 2 का मान आपको पता होना चाहिए, 0.023 आएगा, लॉग इनके मान लॉग 8 और log 10⁻¹, ये तो आगे आ जाएगी, तो ये तो −6 हो जाएगा, −6, ठीक है ना, और log 8 का मान आप रख लो 0.9 के समथिंग आ गए, 0.9, और ये आ जाएगा −6, काफी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी 1.41। जब आप इनको लास्ट में काटोगे, काट पीट लोगे, तो ये आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1.46 के लगभग, लास्ट में आंसर आएगा 1.46 वोल्ट के लगभग। अब चेक कर लेना ये आंसर कैसे आ रहा है अपनी कैलकुलेशन करके, तो ये इस तरह का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन का बस यही वो था कि आपको ये अभिक्रियाएं जहां पर इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं तो वहां बैलेंस करो पहले दोनों अभिक्रियाओं को, उसके बाद लिखो और उससे बनाओ, ये आपका वो है। अगली क्लास में हम लोहे पर जंग लगने की जो अभिक्रिया है उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन इनके कंप्लीट हो गए, और आप अपने बुक में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करके देखें अच्छे से, जिस समझ में आए आपको।